हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम बनाने जा रहे हैं फलूदा सेब की रेसिपी, वो भी बिना मशीन के घर पर बिल्कुल आसान तरीके से। आप इन्हें बनाकर कभी भी तैयार कर सकते हैं और गर्मियों में ठंडा ठंडा इन्हें खाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना और साथ में बनाएंगे हम शाही फलूदा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरी नई रेसिपी आपके पास आसानी से पहुंच जाए। फलूदे तैयार करने के लिए आधा कटोरी कॉर्न स्टार्च यानी अरारोट लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यदि आपने एकदम से इसमें पानी डाल दिया ज़्यादा सा, तो इसमें लम्स पड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए थोड़े से पानी में ही इसे पहले घोलें। और आधा कटोरी अरारोट से फलूदे तैयार कर रहे हैं तो इतने में हमें डेढ़ कटोरी पानी की ज़रूरत है। तो एक पैन ले लेते हैं और इसमें इसे डाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। यदि आप गर्म पानी से इसका घोल तैयार करेंगे तो इसमें गुठले पड़ सकते हैं, इसलिए गर्म पानी की बजाय आप ठंडा पानी ही यूज करें। डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया है। इसे गैस पर चढ़ाने से पहले हम आधा लीटर दूध अलग से पैन में ले लेते हैं और उसको गाढ़ा करने के लिए रख देते हैं। तो हम स्लो गैस पर जब ये दूध आधा रह जाएगा तब तक इसे गाढ़ा करेंगे। इस फ्लेम पर हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम दूसरे फ्लेम पर अरारोट के घोल को तैयार कर लेते हैं। तो इसे बिल्कुल स्लो गैस पर रखा है और लगातार चलाते हुए इसे तैयार करेंगे। चम्मच बिल्कुल भी ना हटाएं, क्योंकि बहुत जल्दी ये नीचे चिपक जाता है और गुठले बनने इसके शुरू हो जाते हैं। गाढ़ा होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं इसमें गुठले पड़ रहे हैं, और ट्रांसलूसेंट होने तक इसे चलाते रहेंगे। तैयार हो गया है, गैस को बंद कर देंगे, ट्रांसलूसेंट हो गया है। फलूदे तैयार करने के लिए ये जो मसालदानी का होता है, नमक भरने का, मिर्च मसाले भरने का, ये हमने ले लिया है। इसका जो ऊपर का नोजल होता है, इसमें आप देख सकते हैं छेद होते हैं, तो किसी में एक दो या तीन छेद होते हैं, तो यहाँ मैंने तीन छेद का इस्तेमाल किया है। ये मैं एक छेद का आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से लगाएं। तो एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ले लें, उसका कोन तैयार करें और उसे टेप से चिपका दें और उसके अंदर इस नोजल को रख दें, इस तरह से जैसे मैंने रखा है। ये मैंने पहले से ही एक बना करके तैयार किया हुआ है 3 होल्स का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने टेप से अच्छी तरीके से चिपका दिया। आज हम इसी से फलूदे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत परफेक्ट फलूदे आपके तैयार होंगे। तो इसमें पेस्ट भर देते हैं। अभी हमारा ये थोड़ा गर्म है पेस्ट, इसलिए हम इसे कपड़े से पकड़कर बनाएंगे। तो रबर बैंड से इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा बढ़िया वाला फलूदे बनाने की मशीन। तो आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। चिल्ड पानी लेंगे बर्फ डाल के और उसमें फलूदे तैयार करेंगे। तो गोल गोल घुमाते हुए जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल आप उसी तरीके से तैयार करना और बहुत बढ़िया फलूदे बनकर तैयार होंगे। कुछ ही मिनटों में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं और ठंडे पानी में इन्हें 5 से 10 मिनट रखने के बाद ही इन्हें फलूदे तैयार करने के लिए काम मिले। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फलूदे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मशीन की तरह। कोई नहीं कह सकता कि आपने बिना मशीन के इन्हें तैयार किए हैं और बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बाकी जितना हमारा पेस्ट बचा है हम सारा तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे फलूदे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बिल्कुल 5 मिनट से भी कम समय में हमने तैयार कर लिए ये। और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बढ़िया फलूदे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल मार्केट की तरह। कोई नहीं कह सकता कि आपने बिना मशीन के इन्हें तैयार किए हैं। बस इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और जब तक हमारे फलूदे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इस दूध को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा दूध आधा रह गया है, इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है और साथ में डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून चीनी। 2 मिनट और चला लेते हैं, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में फटाफट से ठंडा करने के लिए। और जब तक ये दूध हो रहा है हम फलूदे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं शाही फलूदा।
हमने ले लिया है 2 बड़े गिलास कांच के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और इसमें डालेंगे हम फलूदे। तो चौथाई गिलास भरेंगे, पूरा गिलास हमें फलूदे से नहीं भरना है। लीजिए ये गए हमारे फलूदे इसमें, और अब डालेंगे हम इसमें रूह अफ़ज़ा। तो आप कोई सा भी रेड कलर का शरबत ले सकते हैं और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। और इसमें डाल रहे हैं गाढ़ा दूध जो हमने किया था और ठंडा हो गया है बिल्कुल। दूध भी डाल दिया, अब डाल रहे हैं हम बासिल सीड्स यानी तुलसी जी के बीज। तो इन्हें आप पानी में भिगो लेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, ये काफी ज्यादा फूल जाएंगे। ये मेरे कम ही भीगे हुए हैं। और ये भी डाल दिए हमने, अब डाल रहे हैं वापस से थोड़े से फलूदे। और ये ठंडे ठंडे बहुत ही टेस्टी लगते हैं फलूदे। अब डाल दिए इसमें थोड़ी सी बर्फ फूटकर। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा बादाम का शरबत। तो ये येलो कलर का है, मैं इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आपके पास कोई भी शरबत हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, रेड के अलावा दूसरे रंग का खसखस का है तो आप इसमें वो डाल सकते हैं। और अब डाल दी हमने वापस से इसमें कुटी हुई बर्फ। तो आप इसमें कुछ भी ऐड करते जाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और डाल रहे हैं हम थोड़े से आम के पीसेस, तो इनको भी हमने फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड कर दिया था। और थोड़ी सी आइसक्रीम, ये मैंने घर पर ही बनाई हुई है, रबड़ी की आइसक्रीम है। थोड़े से इसमें पिस्ते और बादाम की कटिंग, और वापस से डालेंगे हम इसमें आम के पीसेस। इसके ऊपर आप जेली भी डालकर तैयार कर सकते हैं, या टूटी फ्रूटी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी शाही फलूदे की रेसिपी कैसी लगी? आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।